Hi guys, I'm Shivam Gupta. Welcome to Mock Zone MBA preparation. So guys, tomorrow we are going to have a slot 2 exam of SNAP. So guys, काफी लोगों ने slot 1 दिया था, slot 2 भी दे रहे होंगे काफी लोग. तो guys, अब आपको क्या करना है, कल के पेपर में कैसी strategy रखनी है पेपर अटेम्प्ट की, क्योंकि guys ये बहुत बड़ी चीज होती है कि आप पेपर कैसे अटेम्प्ट करने वाले हो. तो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कुछ चीजें, और ये उन लोग के लिए भी अच्छा रहेगा जो पहली बार स्नैप दे रहे हैं. जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो गाइस, लाइक करने से वीडियो ऊपर आ जाएगा, काफी लोगों के लिए जाएगी. हम सब्सक्राइब जरूर कर दो चैनल को, बिकॉज लगातार वीडियोस बन रहे हैं, बीट स्ट्रेटेजी बेस्ड वीडियो, बीट कंटेंट बेस्ड वीडियो और बीट नोटिफिकेशन बेस्ड वीडियो. चलो गाइस स्टार्ट कर लेते हैं. गाइस आपने अगर हम लोग का स्नैप का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो जरूर करो, यहाँ पे आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे. अगर आपका 23 को भी एग्जाम है तो आपको काफी हेल्प मिलेगी. ठीक है, चलो गाइस. तो गाइस कुछ की पॉइंट ऐसे, पहली बात ये गाइस कि स्लॉट 1 थोड़ा सा टफ आ गया था, क्वेश्चन लेंदी आ गए अर्थमेटिक वगैरह के. तो गाइस आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि स्नैप पे कुछ अगर काफी टफ चीजें आ रही हैं तो उसको आपको इग्नोर करना है, कुछ हैवी क्वेश्चन, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो लीव करने के लिए रखे जाते हैं. अगर आप उसको लीव नहीं कर रहे हो तो आप गलत से पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो, आपका फिर मार्क्स कम हो जाएगा, बिकॉज आपको टाइम नहीं मिलेगा. तो आपको ध्यान रखना है इस बात को, पेपर अगर टफ आता है तो आपको उसमें बेस्ट देना है. आपको बाद में ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि यार हमने ये क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन ना करके वो करते, क्योंकि तो बार बार बोलने के बाद भी ऐसा हो जाता है, इसीलिए मॉक्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं. तो आपको पेपर को लीव, पेपर में क्या लीव करना है वो बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी होती है, कि वो लोग काफी लोग नहीं कर पाते हैं, काफी लोग अपने ईगो में आ जाते हैं, सोचते हैं बहुत पढ़ा हुआ है. ठीक है, ऐसा नहीं करना है आपको. अगर पेपर आपको लेंदी लग रहा है कोई क्वेश्चन तो छोड़ दो उसको, क्योंकि तो आप सब क्वेश्चन का मार्क्स एक ही होता है. ठीक है, इवन अगर 20 में से कुछ मान लो क्वांट्स लास्ट फर्स्ट स्लॉट टफ आ गई इस बार बाई चांस मान लो, तो ठीक है आप 8 ही क्वेश्चन करके आओ, बट 8 क्वेश्चन सही होने चाहिए. गैस मैटर नहीं करता कितनी अटेम्प्ट करके आ रहे हो, डरा मत करो, 55-60 अटेम्प्ट करने से कुछ नहीं होता है, सही कितना हो रहा है मैटर वो करता है. मुझे पता है लास्ट ईयर लोग 46 अटेम्प्ट करके भी ऐसा अभी से कॉल ला चुके हैं, उनकी एक्यूरेसी काफी सही थी, बट 46-48 एटम करके, तो ऐसा नहीं जिसने 55 किया वही कर पाएगा. ठीक है, तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बहुत मैटर नहीं करते. ठीक है, मैटर करता है आपने एक्चुअली में कितना जेन्युइन अटेम्प्ट किया हुआ है, क्योंकि देखो क्वांट्स एंड एलआर में तो एक तरह से 100% एक्यूरेसी हो सकती है, वीए में मान सकता हूँ दिक्कत है. तो आपको एक्यूरेसी में फोकस करना है, और ये मत सोचो कि मेरे अटेम्प्ट कम हो रहे हैं सब कुछ कर चले हैं. ठीक है, ऐसा मत करो. तो क्या कुछ की पॉइंट्स क्या है, आपको स्किप एंड रन अप्रोच लगानी है, आपको हैवी क्वेश्चन को पहले नहीं करना है, इजी क्वेश्चंस देखो सारे सेक्शन में, क्वांट्स में ऐसे 20 क्वेश्चन में आपने देख लिए 7-8 क्वेश्चन डुएबल हैं, मतलब आपके लिए जो फैमिलियर हो वो कर लो, फिर आप वीए में जाओ. वीए में तो मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाते हैं, आरसी नहीं आ रहा तो वो कर लो, फिर आप एलआर में इजी से क्वेश्चन देखो जाके जो आपसे डुएबल हो रहे हैं. ठीक है, जो न्यू टाइप के क्वेश्चन है वो छोड़ो उसको. ठीक है, तो स्किप एंड रन अप्रोच बहुत जरूरी है गैस. किसी भी हाल में आप चाहे जितने बड़े एक्सपर्ट हो, आपको पजल्स को टच नहीं करना है, आरसी से बाई चांस अगर आता है उसको नहीं करना है, एनडीआई नहीं करना है. और एक चीज और हो रही है कि इतना बड़ा पजल दे देंगे एक ही क्वेश्चन होगा उसमें, तो आपको पजल को बिल्कुल एंड में ही करना है. अगर आप पजल उठा दिया, आपने 5 मिनट दे दिया, एक ही क्वेश्चन हो पाया तो क्या मतलब हुआ उसका, तो आपको पजल को छूना ही नहीं स्टार्टिंग में, पजल वगैरह सब बाद में. ठीक है, बाद में टाइम बचता है तो आराम से करो, पहले नहीं करना आपको. सेम फॉर डीआई एंड आरसी. डीआई कोई अगर बहुत ही सिंपल आई है तो अलग बात है, बिकॉज डीआई इंडिपेंडेंटली सॉल्व हो जाती है, पजल में क्या पूरा पजल सॉल्व करके ही हो पाएगा. ठीक है, तो ये मत सोचो करो कि पजल कर लेंगे 4 क्वेश्चन मिल जाएंगे, क्योंकि अगर जरा सा भी केस आपने गलत बनाया तो आपका टाइम और मतलब पजल अगर आपने सॉल्व करके गलत कर दिया तो आपका पेपर खत्म समझ लो, क्योंकि आप नर्वस जाओगे, इसलिए बोल रहा हूँ. नॉट टू वेस्ट टाइम ऑन काउंटिंग ऑफ फिगर. कुछ सीरियस क्वेश्चन होते हैं देखने में ईजी लगते हैं बट टफ होते हैं, लाइक नंबर सीरीज देखने में ईजी लगती है, तो ऐसे क्वेश्चन को 10 सेकंड दो, 10 से 15 सेकंड में अगर आ गया हिंट कर गया तो ठीक है, वरना सीधे स्किप करके आगे जाओ, क्योंकि आपके टाइम इटर्स होते हैं ये. सेम फॉर काउंटिंग ऑफ फिगर्स, काउंटिंग ऑफ फिगर से मैंने वीडियो बनाया है शॉर्टकट्स का, अगर उस तरह का कुछ आ रहा है तो कर लो, कुछ काउंट डाउन करने की जरूरत नहीं है आपको, बाद के लिए रखो ये सब चीजें, स्टार्टिंग में कुछ नहीं करना. ठीक है, बाकी गाइस पैनिक मत करो, पैनिक नहीं होना है, वहां पे पेपर टफ आता है सबके लिए टफ आ रहा है. ठीक है, सबको उतना टाइम मिल रहा है तो पैनिक मत हो, अगर आपने ढंग से पढ़ा है आप सारे भी रेडी करेगा तो आप डेफिनेटली बेस्ट करके आओगे. ठीक है, क्योंकि गाइस आपको खुद पता है कि पेपर अगर टफ आता है तो कट ऑफ उसके अकॉर्डिंग जाएगा. जैसे लास्ट ईयर जो लास्ट टाइम जो स्लॉट वन था, स्लॉट वन को अगर खाली देखें बाकी स्लॉट को ना देखें तो मेरे अकॉर्डिंग स्लॉट वन का कट ऑफ 38 के अराउंड जाना चाहिए मैक्सिमम, ऐसा आईबीएम बोलेगा, तो कम हो गया ना स्कोर, पहले 42 जाता था 38 हो गया, तो 38 के अराउंड जा सकता है. तो ये समझ लो कि पेपर अगर टफ आया तो कट ऑफ नीचे जाएगा, बट आपको उस पेपर में बेस्ट देना अपना, आपको डरना नहीं बिल्कुल. ठीक है, जेन्युइन अटेम्प्ट से फोकस करो. ठीक है, मतलब एक डिसेंट एक टफ पेपर में भी अटेम्प्ट आपके 46+ होने चाहिए कम से कम, एक डिसेंट. अब बहुत ही टफ आ जाए तो अलग बात है, मतलब नॉर्मल बता रहा हूँ. ठीक है, वो चीजें गाइस नीटली सॉल्व करो, सिली मिस्टेक्स अवॉइड करो और साफ साफ क्वेश्चन पढ़ो क्या बोल रहा है क्वेश्चन को. ठीक है, ये चीज है. बाकी मैं अगर लास्ट अभी स्लॉट वन का पेपर देखूं तो
तो हमने कुछ सॉल्यूशन बनाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि 20 में से करीब 7 से 8 क्वेश्चन थे जो वो हर कोई कर सकता था क्वांट्स में आराम से, मतलब जिसने मॉडरेट लेवल की पढ़ाई भी करी है 7 से 8 क्वेश्चन, तो उतना भी ठीक है अगर कर पा रहे हो आप एक्यूरेसी के साथ। 8 नंबर यहाँ से आ जाएंगे, बाकी वहां से ले आओ आप अपना क्वांट्स है, अपना LRMPS है, ठीक है। VI इजी आई थी पिछली बार, तो वही चीज़ है, तो डरना नहीं है। लाख गैस कल कुछ भी हो सकता है, क्या पता कल पेपर थोड़ा इजी आ जाए, ठीक है ये भी हो सकता है। तो आपको बस अपना बेस्ट देना है, सीरी मिस्टेक अवॉइड करनी है, ठीक है। एंड जो क्वेश्चन ऐसा हो जिसमें आपके ऑप्शन मैच ना कर रहे हो उसमें भी आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि ऑप्शन गलत होते हैं। पिछली बार ये क्वेश्चन आ गया था जहाँ पे ऑप्शन गलत थे और वाला स्ट्रिंग वाला, तो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना अपना, ठीक है। आई गेस क्लियर हो गया होगा सब कुछ। ऑल द बेस्ट फॉर स्नैप, काफी कुछ मैंने वीडियो बना दी है गाइस। अभी भी किसी ने अगर VRC नहीं देखी है तो VRC के 25 वीडियो की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें से कुछ मिस हो गया देख लो, काफी कुछ सीख, काफी कुछ समझ में आ जाएगा आपको, काफी लोग का काफी हेल्प हुआ पिछली पहले, ठीक है। बाकी गाइस जो 23 की तैयारी कर रहे हैं वो लोग मॉक्स वगैरह दे सकते हैं। ये मिनी बैग निकाल दिए 5 पैटर्न का, 249 का, आपको ये मिल जाएगा हम लोग की वेबसाइट में, ठीक है। बाकी ये आप देख सकते हो रिव्यूज वगैरह, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, बाकी हम लोग अट्टे सीमेंट और सारसी का बंडल भी, सॉरी कोर्स भी चल रहा है, स्टार्ट हो गया, तो आप लोग देख सकते हो बाद में स्नैप के, ठीक है। ये है, चलो गाइस, सो दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। नंबर मेरा यू कैन व्हाट्सएप एट दिस नंबर, बाकी mockzone.in/snap, ठीक है। चलो गाइस, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।